एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल का जो रूल है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एसेट्स का रूल क्या होता है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। और क्योंकि लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल वो क्या होती हैं, वो एसेट्स के ऑपोजिट होती हैं, तो रूल भी क्या होगा, ऑपोजिट होगा। उसके लिए रूल है क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल और डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अब हम लोग सीखने वाले हैं थर्ड चीज़ जो हमारी है, मतलब फोर्थ है वैसे तो, पर कैपिटल हमने वहीं पे इंक्लूड कर ली, तो थर्ड चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ गई, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमें ऑलरेडी पता है क्या होते हैं, एक्सपेंसेस जो हम खर्चा करते हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं हारा, वो वाला खर्चा जो हम करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए, जो असली में खर्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सपेंसेस बोल देते होते हैं। तो एक्सपेंसेस के लिए रूल क्या है, बहुत ही आसान, यहाँ पे भी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज ही होगा। तो जो एसेट्स का रूल था, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, वही रूल क्या है, वही एक्सपेंसेस का भी रूल है। तो जब भी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। अब एक्सपेंसेस में यहाँ पर लॉसेस भी इंक्लूडेड है, तो मैं यहाँ पर साथ में लिख भी दूँ, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वही क्या हो गया, जो एसेट्स वाला रूल था कि अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, और अगर डिक्रीज कर जाए तो क्या करना है, हमें उसको क्रेडिट करना है। रूल फॉर एक्सपेंसेस इज डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बहुत ही आसान रूल है, एग्जांपल के थ्रू इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो एग्जांपल है पेड सैलरीज रुपीज 80,000, तो ये हमें ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टेप्स लगाएंगे वर्किंग नोट में, जो कि क्या है, स्टेप वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हम सैलरी पे कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं हम लोग सैलरी का, तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो हो गया सैलरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट पेड सैलरीज किस में पे करोगे, कुछ नहीं लिखा तो मान के चलते हैं कि किस में पे करी, कैश में ही पे कर दिया। अगर बैंक के थ्रू पे किया होता तो वहाँ पे वो स्पेशली लिखता होता है कि वाया बैंक। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, पहला तो क्या, एक खर्चे का अकाउंट जो कि क्या है, सैलरी अकाउंट, और दूसरा क्या, कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी हम पे कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा, साइलेंट था, तो हमने माना कि हमने सैलरी कैश में पे करी है। तो अब सैलरी अकाउंट क्या है, नेचर देखेंगे इसका, ये है हमारा एक्सपेंस, खर्चा है ये सैलरी, तो ये क्या है, एक्सपेंस का अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। और कैश अकाउंट क्या है, कैश हमें अच्छे से पता है वो क्या होता है, एसेट होता है, तो कैश अकाउंट हो गया हमारा एसेट। फिर हम देखेंगे क्या इंक्रीज करा, क्या डिक्रीज करा। अब सैलरी अकाउंट, आपने सैलरी पे करी है तो उससे क्या हुआ, कैश अकाउंट तो आपका कम हो गया, क्योंकि कैश में आपने सैलरी पे कर दी, लेकिन आपका जो खर्चों वाली लिस्ट थी वो क्या हुई, वो बढ़ गई। ये चीज़ हम अच्छे से समझ चुके हैं कि एक्सपेंसेस के बारे में हमने कैसे सोचना है, तो जो खर्चों वाली लिस्ट है वो बढ़ गई, तो सैलरी जो आपको एक्सपेंस था, खर्चों वाली लिस्ट आपकी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, अपवर्ड एरो लगा दिया यहाँ पर। और अब हम लोग क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लिए रूल एसेट वाला सेम, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब सैलरी हमारी बढ़ गई तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इसलिए हम सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश अकाउंट हमारा एसेट, यही रूल होता है एसेट का भी, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, हमारा कैश कम हो गया तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। इसी के साथ हमारी जर्नल एंट्री जो है वो हमें साफ साफ दिख रही है, वो है यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्री सैलरी अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या अमाउंट है? 80,000। तो 80,000 हमने लिखा सैलरी अकाउंट के सामने और 80,000 ही हमने लिख दिया कैश अकाउंट के सामने। नरेशन लिखनी नहीं भूलेंगे, बीइंग सैलरीज पेड। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सपेंस वाला रूल था, जो कि क्या था, बिल्कुल एसेट्स वाला ही रूल जो है वही एक्सपेंस के लिए है। अगर आपका एसेट बढ़े या एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ जाए, क्या करोगे? उसको डेबिट करोगे। और अगर आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस या फिर एसेट्स कम हो जाए तो क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे। तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि इसका जो रूल है वो सेम है एसेट्स वाला रूल, सेम एज दैट ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट का इन इटसेल्फ कुछ मतलब नहीं होता, हर एक चीज़ का इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से उस डेबिट और क्रेडिट का मतलब बन जाता है। तो आपको देखना क्या होता है, आपको देखना होता है कि अकाउंट किस चीज़ का है। जब आपको पता चल जाएगा किस चीज़ का अकाउंट है, जैसे यहाँ हम दिख रहा है सैलरी अकाउंट है, वो एक्सपेंस है, खर्चा है, उसको डेबिट किया है, तो मतलब क्या है? डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस, मतलब कि हमारा जो ये खर्चा है वो क्या है, वो बढ़ गया है। बिजनेस ने इतनी जो सैलरीज हैं वो वाला जो उनकी खर्चों की जो लिस्ट है वो बढ़ गई है। ऐसे ही देखो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है क्या? वो है एसेट। एसेट के लिए रूल क्या होता है? उसको हमने क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो पता चलना चाहिए कि कैश अकाउंट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कई बच्चे क्या करते हैं, डेबिट का मतलब अगर कुछ भी देखते हैं तो बोलते हैं वो इंक्रीज हुआ है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पहले सोचना होता है कि वो अकाउंट है किसका। जब पता चल जाए एसेट है, लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस है कि कैपिटल है, फिर डेबिट क्रेडिट देख कर देखो कि असल में उसका मतलब बन क्या रहा है, वो इंक्रीज हुए हैं कि वो डिक्रीज हुए हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अभी हमारा फोकस बस क्या है कि हम सही से जो जर्नल एंट्रीज है वो पास कर सकें, मतलब कि हम अकाउंट्स को सही से आइडेंटिफाई करें और उनके नेचर को भी क्या सही से आइडेंटिफाई कर लें। तो अब आप लोग ये भी नोट डाउन करें और उसके बाद हम लोग लास्ट रूल सीखेंगे, जो कि किसके लिए होगा? इनकम्स के लिए।